मित्रों, आज हम बहुत संक्षेप में आदिवासी साहित्य को कैसे पढ़ें इस बारे में बात करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग निश्चित तौर पर आदिवासी साहित्य से परिचित होंगे, उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सुन रहे हैं, इस पेज से जुड़े हुए हैं। आदिवासी साहित्य तमाम भारतीय भाषाओं में एक नया डिस्कोर्स है, एक नई चीज़ है, उसके बारे में लोग कम जानते हैं, तो ये भी कम जानते हैं कि आदिवासी साहित्य को पढ़ा कैसे जाए। आदिवासी साहित्य को पढ़ने के लिए आपको जो आपका पुराना साहित्य है, यानी कि जो आपका गैर आदिवासी साहित्य है, उससे अलग प्रविधियाँ हैं, अलग तरीका है। गैर आदिवासी साहित्य से आपका परिचय मुख्य तौर पर पाठ्यक्रमों के माध्यम से होता है कि आप सिलेबस में कोई रचना पढ़ते हैं, चाहे वो मराठी की हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो या किसी और भाषा की हो। पाठ्यक्रम में जो रचनाएं आती है उसी में से आप पढ़ने की तकनीक विकसित करते हैं, उसको अच्छा या बुरा कहते हैं और मूल्यांकन की प्रविधियाँ भी विकसित करते हैं। लेकिन आदिवासी साहित्य को पढ़ते वक्त कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है, आपको नई प्रविधियों की, नए तरीकों की ज़रूरत होती है। आदिवासी साहित्य शेष साहित्य से अलग है, एक भिन्न ज्ञान परंपरा का नाम है, तो सबसे पहले हमें उस ज्ञान परंपरा से परिचित होना होगा कि वो ज्ञान परंपरा क्या है और फिर उसे कैसे पढ़ा जाए, इस सवाल से टकराना होगा। आदिवासियों के पास जो सबसे प्रामाणिक और पुराना साहित्य है वो मौखिक परंपरा का साहित्य है, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रमों में मौखिक परंपरा को कोई जगह नहीं दी गई है। अब मौखिक परंपरा को जब जगह ही नहीं है तो उसके पढ़ने के तरीके भी हम नहीं जानते हैं। मौखिक परंपरा में दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो ये कि आप प्रामाणिक पाठ की खोज करें, दूसरा जो पाठ उपलब्ध है उनकी जांच करें। तो इसमें स्वयं आपको भी संग्रह करना पड़ सकता है और ये काम आदिवासियों के लिए उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सभी आदिवासी अगर अपनी अपनी मातृभाषा की मौखिक परंपरा के प्रति थोड़ा वक्त दे, थोड़ी लगन दिखाए, तो वो अपनी मातृभाषा से संबंधित मौखिक साहित्य का संग्रह कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं, उसे प्रकाशित कर सकते हैं और इसके माध्यम से दूसरे समाजों को भी उस साहित्यिक परंपरा से परिचित करा सकते हैं। और ये मौखिक परंपरा चूँकि हमारे पुरखों द्वारा रची गई है और आदिवासी दर्शन अपने मूल रूप में, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में इसी मौखिक परंपरा में विद्यमान है, इसलिए इस मौखिक परंपरा का अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे गौंडी भाषा में मोतीरावन कंगाली का काम है, उन्होंने प्राचीन साहित्य की खोज की, उसके बारे में लिखा, तो उस तरह का काम बहुत कम लोगों ने किया है। आप सुनेर सिंह ताराम जी को मैं याद करता हूँ कि उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया, उषा किरण राम जी उस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन गौंडी भाषा के बाहर जाएं तो मुंडारी का काफ़ी काम हुआ है, मुंडारी भाषा भी आदिवासियों की बहुत बड़ी भाषा है, संथाली में कुछ काम हुआ है, खड़िया में कुछ काम हुआ है, कुड़ुख में कुछ काम हुआ है, भीली में कुछ काम हुआ है, भीली भाषा तो हमारे बहादुर सोनवणे जी की भी मातृभाषा है, आप जरूर उनसे परिचित होंगे। तो इसके अलावा मीणी में कुछ काम हुआ है, कोई कुई में कुछ काम हुआ है, अब असुरी भाषा में काम हो रहा है, इतनी भाषाओं में हमारा साहित्य बिखरा पड़ा है। सबसे पहले हमें उस साहित्य को संकलित करना होगा, उसको लिपिबद्ध करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब मौखिक परंपरा की चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। अब हम
हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है और हम इतनी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि अगर किसी का फ़ोन नंबर आपको याद करना हो तो आप फ़ोन नंबर लोग सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल में, इसलिए याद नहीं रहता किसी को। जो आप सोचिए कि 10 अंक का एक फ़ोन नंबर आपको याद नहीं रहता, तो आप इतने सारे गीतों को, कहानियों को, कथाओं को कैसे अपनी मेमोरी में रखेंगे। इसलिए वक्त आ गया है कि हम उसको संग्रहित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो करके जाएं। ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म यानी पाठालोचन, जो टेक्स्ट को कैसे इकट्ठा किया जाता है, टेक्स्ट को किसी पाठ को कैसे संग्रहित किया जाता है, उसमें किन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसको शुद्धिकरण आपको करना है तो कैसे करना है, तो और दूसरा खुद मौखिक परंपराओं से परिचित, उस समाज की परंपराओं से परिचित होना पड़ता है, तभी आप प्रामाणिक पाठ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पाठ प्रामाणिक नहीं होगा तो फिर आने वाली पीढ़ियों को आप एक प्रामाणिक ज्ञान का सबूत दे करके नहीं जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पाठ की प्रामाणिकता पर ध्यान दें। जब हमारे पास प्रामाणिक पाठ होगा तो हम निश्चित तौर पर ज्ञान साहित्य को मजबूत कर रहे होंगे, हम उसे समृद्ध कर रहे होंगे और हम अपने पुरखों से भी संवाद कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि आदिवासी दर्शन में पुरखों का बहुत महत्व है, प्रकृति का बहुत महत्व है। प्रकृति और पुरखों से संवाद के लिए उस परंपरा से एक तादाद में स्थापित करना, और आज आप ये भी जानते हैं कि हम बाहरी समाजों के संपर्क में आकर हमारा जीवन और हमारे मूल्य बहुत बदले हैं, तो उस प्रभाव से मुक्त होकर के अगर आपको अपनी असली परंपराओं, असली संस्कृति के बारे में जानना है तो आपको ज़रूर पुरखों के पास जाना होगा, उनसे संवाद करना होगा, और उसका स्रोत है मौखिक परंपरा। उस मौखिक परंपरा को संजोना बहुत ज़रूरी है। मौखिक परंपरा के अलावा आदिवासी साहित्य को पढ़ने के लिए आपको आदिवासी भाषाओं में जो साहित्य है उसको पढ़ना होगा। आपके पास मराठी का बहुत लिटरेचर होगा, हिंदी का लिटरेचर भी पहुंचता होगा, या फिर अंग्रेजी का भी साहित्य है, आपको कन्नड़ का साहित्य मिलता है, यानी इन भाषाओं में आदिवासी जो लिख रहे हैं वो तो आपको मिलता है, लेकिन आदिवासी अपनी मातृभाषाओं में लिख रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसको आप जानना नहीं चाहते। गोंडी में लेखन की अच्छी खासी परंपरा है और देश की कई आदिवासी भाषाओं में अच्छी खासी परंपरा है, लेकिन हमने कभी उससे संवाद की कोशिश नहीं की। आप सबका धन्यवाद, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो हमें अपनी मातृभाषाओं के साहित्य से सबसे पहले संवाद करना होगा, ताकि हम जो पुरखा साहित्य के बाद सबसे प्रामाणिक चीज़ है उससे संवाद कर सकें। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति सिर्फ अपनी मातृभाषा में दे सकता है, तो मातृभाषा में हमको जाना होगा तमाम। अब हम बहुत सारी भाषाएं नहीं सीख सकते, लेकिन कम से कम अपनी जो मातृभाषा है उसमें कौन सा साहित्य लिखा जा रहा है, कौन सा साहित्य अभी भी मौखिक परंपरा में सृजित हो रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बैठे बैठे गीत रच लेते हैं, बैठे बैठे कहानियां रच लेते हैं, और उन कहानियों को वो कभी पब्लिश नहीं कर पाते, उन गीतों को वो कभी पब्लिश नहीं कर पाते, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है जिसको आपको संजोना है, जिसको आपको अगर आपको अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान है, साथ में हिंदी या अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, तो आप उस आपकी जो मातृभाषा है उसके साहित्य को आप अनुवाद भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सच बात है बाहरी समाज के लोगों के लिए, पाठकों के लिए, या स्वयं आदिवासी समाज की दूसरी मातृभाषाओं वाले लोगों के लिए, कि वो अपने भाषा के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को वो कितनी भाषाएं एक व्यक्ति अपने जीवन में जान सकता है, एक सीमा है उसकी। और इस वजह से
अगर दूसरे लोगों तक, जो दूसरे आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, उन तक आपको अपनी साहित्यिक परंपरा को पहुंचाना है, तो आपको अपने अपने साहित्य का अनुवाद भी करना चाहिए, उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको प्रकाशित करना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। अपनी परंपराओं के बारे में जानने के लिए, अपने संस्कृति के बारे में जानने के लिए, अपने मूल्यों के बारे में जानने के लिए, अपने पुरखों से संवाद करने के लिए, तो ये मातृभाषाओं का साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी भाषाओं में अभी लिखा जा रहा है। ये सच बात है कि कुछ भाषाओं में अभी तक लिपियां नहीं हैं, लेकिन करीब 100 से ऊपर भाषाओं के पास अपनी लिपियां हैं, या उन्होंने देवनागरी को या फिर रोमन को अपनी लिपि के तौर पर स्वीकार कर लिया है। तो उन भाषाओं में जो लिखा जा रहा है, उस साहित्य तक हमको पहुंचना है, उस साहित्य से हमको संवाद करना है, और अगर हमारा दोनों भाषाओं का अधिकार है तो उसका अनुवाद भी हमको प्रस्तुत करना है। तीसरी जो सामग्री है वो आदिवासियों द्वारा जो गैर आदिवासी भाषाओं में लिखा गया है या लिखा जा रहा है, उस सामग्री को भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उस सामग्री को गैर आदिवासी लोग तो कम अनुवाद करते हैं या कम उसके बारे में जानते हैं। आप देखिए कि जो लोग रिसर्च करते हैं आदिवासी साहित्य पे, हिंदी में रिसर्च कर रहे हैं, मराठी में रिसर्च कर रहे हैं, बांग्ला में रिसर्च कर रहे हैं, वो बेसिकली हिंदी मराठी बांग्ला में आदिवासियों ने जो लिखा है और गैर आदिवासियों ने जो लिखा है उस तक उनको जाना चाहिए, लेकिन वो मूलतः गैर आदिवासियों की रचनाओं तक सीमित हो जाते हैं। इस वजह से आदिवासी साहित्य के बारे में सही राय नहीं बन पाती। अब भले ही ये जो आदिवासी गैर आदिवासी भाषाओं में लिखते हैं, अगर कोई आदिवासी मराठी में लिखता है, हिंदी में लिखता है, अंग्रेजी में लिखता है, तमिल में लिखता है, कन्नड़ में लिखता है, तो ये बहुत छोटा हिस्सा है आदिवासी लेखन का। आदिवासी लेखन का बहुत बड़ा हिस्सा जो मौखिक परंपरा का साहित्य है, जो आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य है, वो सब है। लेकिन इसके बाद भी ये साहित्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी खुद लिख रहा है और आदिवासी की दुनिया काफ़ी अलग है बाहरी दुनिया से, इसलिए उसके बारे में प्रामाणिक जानने के लिए आदिवासियों का लिखा हुआ पढ़ना चाहिए और आदिवासियों के लिखे हुए को रिसर्च की मूल सामग्री में शामिल करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आप पढ़ेंगे कैसे? ये तो हो गया सामग्री, इस सामग्री को आपको अध्ययन करना है, तो अध्ययन कैसे करेंगे आप? तो अध्ययन करने के लिए जो प्रतिमान है, आपने भाषा और साहित्य के प्रतिमान बनाए हुए हैं, हर भाषा साहित्य के अपने प्रतिमान होते हैं। जैसे कोई रचना अच्छा कि इसकी शब्दावली इस प्रकार की होनी चाहिए, इसमें नायक नायिकाएं इस प्रकार के होने चाहिए, इसमें एक सौंदर्य शास्त्र इस प्रकार का होना चाहिए। जो प्रतिमान हमने बनाए हैं वो वास्तव में गैर आदिवासी भाषाओं को पढ़ते हुए बनाए हैं, तो आदिवासी साहित्य पर आप उनको आरोपित करेंगे तो ये आदिवासी साहित्य के साथ जाती होगी। आदिवासी साहित्य के प्रतिमान गैर आदिवासी साहित्य से अलग होंगे और वो हमको खुद आदिवासी साहित्य के पाठकों को, आदिवासी समाजों से आने वाले पाठकों को अपनी अपनी मातृभाषाओं के बारे में, उनके साहित्य के बारे में ऐसे प्रतिमान विकसित करने होंगे। मसलन जब कोई आदिवासी अपनी मातृभाषा में लिखेगा तब तो आदिवासी शब्दावली आएगी आएगी, लेकिन जब वो गैर आदिवासी भाषा में, यानी कोई आदिवासी मराठी में जब लिखेगा, हिंदी में जब लिखेगा, कुड़ुख में लिखेगा या मुंडारी में लिखेगा या संथाली में लिखेगा, तब भी उसके लेखन में आदिवासी शब्दावली आएगी, आदिवासी जीवन मूल्य आएंगे। तो आपको देखना है कि कोई रचनाकार लिखते वक्त उन आदिवासी प्रतीकों का कितना प्रयोग कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रचनाकार ऐसे भी हैं जिनके अंदर, जो आदिवासी होते हुए जिनके अंदर अपनी अपनी परंपरा को लेकर एक हीनता बोध है, वो अपनी मातृभाषाओं में लिखना भी नहीं चाहते, और वो जब हिंदी मराठी या तमिल बांग्ला अंग्रेजी में लिखते हैं तो वो उस भाषा की मुहावरे में, उस भाषा की शैली में लिखना पसंद करते हैं। जैसे हिंदी में कोई लिख रहा है तो कठिन कठिन संस्कृत के शब्द प्रयोग करते हुए, और हिंदी के लोगों को जैसी चीज़ पसंद है तो उस ढंग का लिखने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनकी आदिवासियत को खतरा पहुंचता है। अगर आदिवासियत को हम
जिंदा नहीं रख पाएंगे तो फिर हमारा लेखन बेकार है। और मूल्यांकन करते वक्त आप ये जरूर देखें कि उस साहित्य को पढ़ते वक्त, उसका मूल्यांकन करते वक्त कि उस साहित्य में आदिवासियत कितनी आ पाई है, भाषा के स्तर पर, कथा वस्तु के स्तर पर, उसकी संवेदना के स्तर पर आदिवासियत आ पाई है या नहीं आ पाई है। अगर साथ में आपको ये देखना है कि अब आजकल देखते हैं साहित्य में कोई भी जो आदिवासी इलाकों में किसी की गैर आदिवासी की पोस्टिंग हो गई, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कुछ और अधिकारी है, वो क्या करता है आदिवासी इलाकों में जाकर के दो चार आदिवासियों से जितना आदिवासियों के बारे में जानना होता है जान करके और कहानी लिख देता है, कविताएं लिख देता है, और उसके बाद वो दावा करने लगता है कि वो तो आदिवासी साहित्यकार है, आदिवासी साहित्य का जानकार है, आदिवासियों का विशेषज्ञ है। तो आपको किसी भी साहित्य को परखने के लिए, पढ़ने के लिए आदिवासी दर्शन को एक कसौटी के तौर पर मानना होगा कि भाई कोई लिख रहा है तो उसके लेखन में आदिवासी दर्शन कितनी प्रामाणिकता के साथ आ पाया है। अगर उसके लेखन में आदिवासी दर्शन प्रामाणिकता के साथ आ पाया है तो इसको आप आदिवासी दर्शन के मूल्यों के आधार पर देख सकते हैं, यानी उस लेखन में सामूहिकता का भाव है या नहीं है, उस लेखन में सामाजिकता का भाव है या नहीं है, उसमें पति और पुरखों के प्रति कोई सम्मान भाव है या नहीं है, उस लेखन में पूंजीवाद के प्रति क्या रवैया है, उसमें हमारी विविधता जो हमारी भाषिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, इसके प्रति कोई सम्मान भाव है या नहीं है, उसमें कोई ऊंच नीच है या नहीं है, आदिवासी जीवन की असली अभिव्यक्तियाँ है या नहीं है, आदिवासी त्योहारों, रीति रिवाजों, परंपराओं का सही नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि क्या करते हैं कि बाहरी समाज के लोग ये मानते हैं कि भाई ये लोग तो गंवार है, असभ्य है, इनको हम सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऊपर से आरोपित करते हैं कि अच्छा ये अशिक्षित है, अशिक्षित है इसलिए ये पिछड़े हैं, इसलिए चलो हम ऐसे करते हैं एक ऐसी कहानी लिखते हैं जिसमें शिक्षा का महत्व बताया गया हो, और उस शिक्षा के महत्व के बारे में कहानी लिख दी, और फिर वो कहने लगते देखो हमने आदिवासियों के बारे में कहानी लिख दी, ये गंवार है, अशिक्षित है, इसलिए इनको शिक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन जब उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें कौन सी शिक्षा की वकालत की जा रही है। अब आदिवासी ऐसी शिक्षा लेकर के क्या करेगा जिसमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, यानी सिर्फ शिक्षा शिक्षित होने की बात करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी उसमें बात जोड़ी जानी चाहिए जब शिक्षा की बात करें कि आदिवासियों को जो शिक्षा दी जाएगी उसमें आदिवासी जीवन, समाज, दर्शन, इतिहास भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कि अक्सर नहीं किया जाता है। अब आप देखिए कि हम इतिहास की किताब पढ़ते हैं, इतिहास में आज़ादी की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, आज़ादी की लड़ाई में संथाल हुल के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता, जबकि संथाल हुल 1857 की जो पहली क्रांति मानते हैं उसे भी 2 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ एक खुली क्रांति थी, खुली चुनौती थी, खुला युद्ध था, जिसमें ना केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी जा रही थी बल्कि जो भारतीय सामंतवाद है उससे भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसी प्रकार से बिरसा मुंडा का उलगुलान है, तो बिरसा मुंडा के उलगुलान के बारे में हमारे पाठ्यक्रमों में क्या आपने कभी पढ़ा है, उसके बारे में क्या हम जानते हैं? इसी प्रकार से क्या मोतीरावन कंगाली को मुख्य पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया देश के अलग अलग भाषाओं में? गोंडी साहित्य कहीं आपको मिलता है? गोंडी परंपराओं के बारे में, गोंडी कथाओं के बारे में क्या कहीं मिलता है? इतने सारे लड़ाके हुए उनके बारे में आपको क्या मिलता है? इसका मतलब यह है कि जो पाठ्यक्रम है हमारा उसमें हमारे बारे में ठीक ढंग से नहीं लिखा गया। इसलिए जब शिक्षा की आप बात करेंगे और उसके ऊपर की कहानी लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, तो शिक्षा किस प्रकार की, आदिवासियों को कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, ये भी हमको लिखना पड़ेगा, और किसी और ने लिखा है तो मूल्यांकन के वक्त ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस तरह से अगर आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आप कई लोग ये मानते हैं कि भाई घर में आपने गृह प्रवेश कराया है, घर में आप पूजा पाठ कराते हैं, आपने गणेश पूजा कराई है, तो ये और आपका घर कोई आलिशान कॉलोनी में है तो इसका मतलब आप सभ्य हो गए हैं, विकसित हो गए। क्या ये सब आदिवासी मूल्य है कि हमारा घर को बहुत बड़ी महंगी कॉलोनी में होना चाहिए, या हमारे घर में गृह प्रवेश होना चाहिए, या बच्चों के नामकरण के वक्त हमने पंडित जी को बुलाया कि नहीं बुलाया, या कैसा आचरण करते हैं? तो अब बाहरी समाज के लिए ये सभी बड़े महत्वपूर्ण तत्व है कि भाई हाँ ये इसके माध्यम से किसी को हम सभ्य, सुसंस्कृत या असभ्य और गंवार साबित कर सकते हैं। लेकिन ये सब आदिवासी मूल्य नहीं है,
और आदिवासियों को जब अपने समाज की संस्कृति और मूल्यों की बात करनी है तो उसमें सबसे पहले वो सामूहिकता आएगी। क्या हम समूह की बात कर रहे हैं कि नहीं, पूरे समूह को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम अपनी संस्कृति के प्रति हमारे कैसा रवैया है, क्या हम उसको लेकर के सजग है या नहीं, हम अपने भाषा के प्रति कितने सजग है, हम अपने पुरखों के प्रति कितने सजग है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है रमेश जी आपने, आदिवासियों को कौन सी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। आदिवासियों को या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको लेकर के स्पष्ट रहना चाहिए, और यही आदिवासी नज़रिया भी है। जो आजकल देख रहे हैं भाषा को लेकर के लोग उतनी बात नहीं करते, और दो बड़ी अवधारणाएं हैं जो भाषाओं को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, एक ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण की अवधारणा, दूसरी राष्ट्रवाद की अवधारणा। भूमंडलीकरण के माध्यम से पूरी दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व कायम हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। राष्ट्रवाद के माध्यम से संस्कृत हिंदी और बड़ी भाषाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो दोनों ही जो अवधारणाएं हैं वो आदिवासी भाषाओं के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए नुकसानदायक है, घातक है, और आदिवासी भाषाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आदिवासी किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में वो सबसे पहले और सबसे जल्दी सीखता है। तो जब वो सीख जाएगा तो प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी, आप कह सकते हैं उच्च शिक्षा और शोध, वो अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, किसी में आप करिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा तो हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इसलिए मातृभाषाओं की, जब हम आदिवासी दर्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम भाषिक विविधता की भी बात कर रहे हैं। आदिवासी दर्शन वह दर्शन है जो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का समर्थक है। कोई बात नहीं, बीच में प्रश्न पूछ लिया तो आदिवासी साहित्य पढ़ते वक्त आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और कोशिश करें कि जो आपका अभी तक का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आलोचनात्मक दृष्टि से आप पढ़ें और हर जगह सवाल पूछें। जैसे आज आप देखेंगे कि अगर आप हिंदी की अकादमिक दुनिया से परिचित है तो हिंदी की अकादमिक दुनिया में एक बहस चल रही है। अभी एक हिंदी की बहुत बड़ी पत्रिका है हंस नाम से, दिल्ली से प्रकाशित होती है। ये सबसे पहले 1930 के आसपास राजेंद्र यादव ने, माफ कीजिए, प्रेमचंद ने शुरू की, और जब प्रेमचंद ने शुरू की तो उसके बाद प्रेमचंद के निधन के बाद बंद हो गई। फिर 90 के दशक में 86-82 से वो फिर राजेंद्र यादव ने शुरू की। अब राजेंद्र यादव के निधन के बाद संजय सहाय उसको निकालते हैं। संजय सहाय ने प्रेमचंद के लेखन के बारे में कह दिया कि उनकी 25-30 कहानियों को छोड़ करके बाकी सब पूरा करके, इसको लेकर डिबेट चल रही है हिंदी की अकादमिक दुनिया में। मेरा कहना है कि आप कौन सी डिबेट चला रहे हैं? आपने क्या कभी ये डिबेट चलाई कि प्रेमचंद के संपादन में या राजेंद्र यादव के संपादन में या संजय सहाय के संपादन में हंस पत्रिका का कभी आदिवासी विशेषांक क्यों नहीं निकला? आदिवासियों, आदिवासी लेखकों, साहित्यकारों, कवियों को वहाँ पर कोई जगह क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि हंस ने स्त्री विशेषांक निकाले, दलित विशेषांक निकाले, थर्ड जेंडर पर विशेषांक निकाले, अल्पसंख्यकों पर विशेषांक निकाले, लेकिन आदिवासियों की कभी बात नहीं की, आदिवासियों को कोई जगह नहीं दी। तो वो कैसी प्रगतिशीलता है? क्योंकि उसका मोटो है जन चेतना का प्रगतिशील कथा मासिक। वो जन चेतना में क्या जन में आदिवासी शामिल नहीं है? उनकी प्रगतिशीलता में क्या आदिवासी शामिल नहीं है? अगर नहीं है तो हमारे लिए ये बहस किस काम की है? तो ऐसे हर संस्था पे जो स्थापित संस्था है और खुद को प्रगतिशील दिखाती है, आप जाएंगे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पर लोग आपको मिल जाएंगे कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई कुछ और है, किसी तरह का प्रगतिशील है, कोई ये वादी है, वो वादी है, तमाम तरह के वाद है हमारे समाज में, लेकिन वो लोग आदिवासियों के प्रति कितने संवेदनशील है, आदिवासियों को क्या उनका स्थान और उनके अधिकार देने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, या उनकी प्रगतिशीलता एक दिखावा मात्र है? इसलिए हर चीज़ को क्रिटिकली देखिए, आलोचनात्मक ढंग से देखिए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे साथ में बाहरी समाज के द्वारा
न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता, हमारे अधिकारों को हमेशा दबाया जाता है, और अकादमिक दुनिया में जो कि हम ये कहते हैं कि भाई जब जो शिक्षित है तो वो सही व्यवहार करेगा, शिक्षितों द्वारा भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, वहाँ पर भी पदानुक्रम है, वहाँ पर भी चालाकियाँ हैं, और उन चालाकियों को हमको समझना होगा, अपने परंपराओं को, अपने साहित्य को एक सम्मानजनक स्थान दिलाना होगा। तो इसके लिए स्वयं हमको आदिवासी साहित्य की, आदिवासी परंपराओं की, आदिवासी संस्कृति की सही समझ होना जरूरी है, क्योंकि अगर खुद हमको सही समझ नहीं होगी तो हम दूसरों को कैसे बता पाएंगे, हम कोई लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। तो मित्रों, आपको करना इतना है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए अकादमिक दृष्टि से, तो आपको अपने अपने पुरखा परंपरा में जो चीज़ें हैं उनको संग्रहित करने की कोशिश करनी चाहिए। आप मान लीजिए गीत है, कथाएं हैं, आप लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, आपके बड़े बूढ़ों से जब बात करें, आप चीज़ों को मेमोराइज करें, उनको अपनी अपनी परंपरा का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी मातृभाषाओं को जिंदा रखें, मातृभाषा में संवाद करें बच्चों से, अगली पीढ़ी तक मातृभाषा को पहुंचाएं। और जब साहित्य की बात आए तो साहित्य में आप उस मौखिक परंपरा को सबसे पहले रखें, आदिवासी दर्शन को सबसे पहले रखें, आदिवासी भाषाओं के साहित्य को सबसे पहले रखें, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल है, वो हमारी अमूल्य संपत्ति है, और उसका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे, अपनी आदिवासियत से कट जाएंगे। इसलिए आदिवासी साहित्य को पढ़ते वक्त आपको प्रतिमान भी नए गढ़ने पड़ेंगे, आपका सौंदर्य शास्त्र भी नया होगा। अब कैसे नया होगा, अब बाहरी समाज में आप देखते हैं, बाहरी समाज में हमेशा कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि हिंदी में कहावत है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। आदिवासी दर्शन ऐसा नहीं मानता। अगर आप मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे तो आप इसका मतलब दूसरे प्राणियों को नीचा बता रहे हैं और उनको आप फिर उपेक्षित कर रहे हैं। आदिवासी दर्शन तो सभी प्राणियों को महत्वपूर्ण मानता है, और आदिवासी दर्शन न केवल सभी प्राणियों को बल्कि जंगल, पहाड़, नदी, झरने, उन सबको भी बचाने की बात करता है, हर पेड़ को बचाने की बात करता है, हर मिट्टी के हर कण को बचाने की बात करता है। तो ये ऐसा आदिवासी दर्शन है। आदिवासी दर्शन में सौंदर्य के प्रतिमान भी अलग है, वहाँ पर कुछ भी अगली नहीं है, वहाँ पर कुछ भी गंदा या भद्दा नहीं है, सब कुछ सुंदर है। अब बाहर के समाज से आप अगर मूल्य लेंगे तो आपको अच्छा ये सुंदर है, सुंदर क्या है, जो गोरा चिट्टा है, जिसने कुछ अंग्रेजी ढंग के कपड़े पहने हुए हैं, और यानी हमने एक ऐसे प्रतिमान डेवलप कर ली बाहरी समाज के संपर्क में आने पर, जो आदिवासी दर्शन में जिनके लिए कोई जगह नहीं है। आदिवासी दर्शन ऐसा नहीं मानता। आदिवासी दर्शन के अनुसार हर कोई सुंदर है, दुनिया की हर चीज़, प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो सब कुछ सुंदर है। इसी नज़र से आप अपने दर्शन को, अपने साहित्य को परखें तो आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल के बाद में हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ें तो उनका मैं जवाब देता रहूँगा। मैंने आज संक्षेप में बताऊँ तो ये समझने और समझाने की कोशिश की कि हम आदिवासी साहित्य को कैसे पढ़ें। तो आदिवासी साहित्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम प्रामाणिक स्रोतों की तलाश करें कि ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से हैं। तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे मौखिक परंपरा में है, आदिवासी भाषाओं में, और फिर खुद आदिवासियों ने जो गैर आदिवासी भाषाओं में लिखा है वो सब कुछ। फिर हम आदिवासी दर्शन को समझें, आदिवासी दर्शन को समझ करके हम प्रकृति, पुरख और सामुदायिकता, सामूहिकता, सामाजिकता, सह अस्तित्व, इन मूल्यों को समझते हुए इसके आधार पर आदिवासी संबंधी लेखन का विश्लेषण करें, उसका पाठ करें, और जो मौजूदा परंपरा है गैर आदिवासी भाषाओं की, जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन की किताब की दुकान पर या किसी भी किताब की दुकान पर जो आपको चीज़ें मिलती हैं, तो उसको प्रश्न करें, उसे उसकी आलोचना, उसका उसकी समीक्षा करें कि क्या ये इंसानियत के पक्ष में है, क्या ये पूरी सृष्टि के पक्ष में है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आदिवासी दर्शन ही वो है जो पूरी सृष्टि को बचाने की बात करता है, बाकी सभी दर्शन किसी एक तबके का सपोर्ट करते हैं।
मार्क्सवाद सिर्फ मजदूरों की वकालत करता है, वो दूसरे तबकों की उसको चिंता नहीं है। ऐसे दूसरे जो तमाम वाद हैं, दर्शन हैं, वो किसी एक को बचाने की, कहीं के मनुष्य केंद्रित विकास की बात करते हैं। एकमात्र आदिवासी दर्शन है जो सभी प्राणियों और सभी जो भी प्रकृति ने सब कुछ जो हमको दिया है, हर चीज़ को बचाने की बात करता है। इसलिए आदिवासी दर्शन के माध्यम से ही हम सृष्टि को बचा पाएंगे। इस बात को जहन में रखते हुए किसी भी अगर आपके अंदर हीनता बोध है, उस हीनता बोध से मुक्त हो और आदिवासी साहित्य और दर्शन के साथ खड़े हों, उसकी उसका सही पाठ करें। नंद किशोर जी पूछ रहे हैं कि मीना भाषा के बारे में प्रकाश डालें। मीना भाषा की जगह हम मीनी भाषा कह रहे हैं। मीनी भाषा बेसिकली राजस्थान के मीना बेल्ट की भाषा है, जिसमें जिसकी कई बोलियां हैं, लेकिन अभी इस भाषा को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, भाषा विज्ञानियों के बीच भी मान्यता प्राप्त नहीं है। जो अभी भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण हुआ है, उस लोक भाषा सर्वेक्षण में इसकी बोलियों की तो चर्चा है, जैसे माड़ की बोली है, जगरोटी की बोली है, ढूंढाड़ की बोली है, बोलियों की चर्चा है, लेकिन मूल मीना भाषा या मीनी भाषा की चर्चा नहीं है। जबकि उसकी अलग शब्दावली है, अलग गीत है, अलग कथाएं हैं, अलग इतिहास है, अलग परंपरा है और उसका पूरा स्ट्रक्चर अलग है। उसकी अलग लिपि नहीं है, इसलिए अलग भाषा का बहुत दावा नहीं किया, लेकिन आजकल लोग मीनी भाषा पे काम कर रहे हैं। विशेषांक भी एक पत्रिका का निकल रहा है, कई लेख भी लिखे गए हैं, तो उस संदर्भ में आप समझें। और किसी सज्जन का कोई सवाल हो तो बताएं। प्रकाश जी कह रहे हैं कि हड़प्पा लिपि का प्रचार कैसे हो। देखिए, हड़प्पा लिपि का मेरे ख्याल से अब तो संरक्षण हो सकता है, उसका प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिपियाँ मौजूद हैं उन्हीं लिपियों में हमको काम करना है, यही हमारी बात है। लेकिन हमको उसको संरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए, हड़प्पा लिपि की, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा इतिहास जुड़ता है, हमारी परंपरा जुड़ती है। एक सवाल और आया, साहित्य के संरक्षण के उपाय बताएं, हम लोगों में कैसे और किस माध्यम से अपने साहित्य को बचाने के लिए जागरूक करें। साहित्य को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप अपने पुरखों से संवाद करते रहें चीज़ों को। आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, जो टाइपिंग जानते हैं टाइप करके, अपने ईमेल में रिकॉर्ड करके फेसबुक के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, किताब पब्लिश करा सकते हैं। और मैंने कहा जो तीन तरह का साहित्य आपको मिलता है आदिवासी परंपरा में, एक मौखिक साहित्य है, दूसरा आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य है, और तीसरा जो आदिवासियों ने गैर आदिवासी भाषाओं में लिखा है, उस सबको संरक्षित करने की कोशिश करें, उसको प्रिजर्व करें, आने वाली पीढ़ियों को सौंपें, उसको पब्लिश कराएं, उसका अनुवाद करें, उसको जहाँ पर भी संभव है पाठ्यक्रमों के लिए सजेस्ट करें, तभी वो साहित्य संरक्षित रह पाएगा। और किसी का कोई सवाल है? थोड़ा थोड़ा योगदान दे, कम से कम अपनी अपनी भाषा के प्रति आप संवेदनशील होंगे तो उसी से काम बन जाएगा, उसी से बात बन जाएगी। अपनी भाषा के साहित्य को आप संरक्षित करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी भाषा के साहित्य को संरक्षित करेंगे, तो इससे काफ़ी चीज़ें संग्रहित हो जाएंगी और हमारे पास में जो समृद्ध परंपरा है वो भी हम सामने ला पाएंगे। संध्या जी, आपने अच्छा लिखा है कि मैं साहित्य सामाजिक साहित्य के लिए स्वयं के घर में पुस्तकालय का निर्माण करवा रही हूँ। बहुत अच्छा है, सभी 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 लोग छोटा छोटा पुस्तकालय बना सकते हैं जो समर्थ हैं, और जिससे वो एक रेफरेंस सेंटर के रूप में डेवलप हो, एक संदर्भ केंद्र के रूप में। किसी भी रिसर्चर को चाहिए, समाज के किसी व्यक्ति को अपने समाज के बारे में पढ़ना है, अपने साहित्य के बारे में पढ़ना है, तो इन संदर्भ केंद्रों और इन पुस्तकालयों से वो जानकारी ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर आपकी पहल महत्वपूर्ण है, इस तरह की पहल जो भी समर्थ लोग हैं उन वो सब लोग इस तरह की पहल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैडम उषा किरण आतराम जी के यहाँ भी इस तरह का संग्रह है, और जो भी आदिवासी साहित्यकार हैं उनको इस तरह की पहल करनी चाहिए, जो भी आदिवासी समाज साहित्य में रुचि लेते हैं उनको भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। अमूल जी कह रहे हैं कि जब तक हमारा टीवी चैनल नहीं होगा, देखिए टीवी चैनल से कुछ नहीं होने वाला, टीवी चैनल तो बहुत महंगा मामला है, अलग तरह का मामला है। हमें अपनी चीज़ों को संग्रहित करने के लिए आज
कर हमारे पास बहुत से होते हैं, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, उसमें बहुत संग्रहित कर सकते हैं। हम फेसबुक लाइव के माध्यम से बात कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, हम व्हाट्सएप के माध्यम से चीज़ों को शेयर करते हैं। तो अब हमारे पास में फ्री की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। टीवी चैनल तो करोड़ों में खुलता है, इसलिए टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पर वीडियो बना के समाज के बीच शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक से शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना करके शेयर कर सकते हैं। संध्या जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सभी लोग पुस्तकालयों का निर्माण करें। अजीत जी पूछ रहे हैं क्या अन्य, ये आखिरी सवाल है, क्या अन्य धर्मों के अनुसार हमारा धर्म भी अलग है? देखिए, जो धर्म की परिभाषा है उस हिसाब से हम तो किसी धर्म को नहीं मानते। आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, आदिवासियत ही उनका धर्म है। जब संस्कृत में कहते हैं यदम धार्यते तदम इतम धर्म, यानी जो हम धारण करते हैं वही संस्कृति जो भी है उसका हिंदी में अनुवाद यह है कि जो हम धारण करते हैं वही धर्म है, यानी जो हमारा आचरण है वही हमारा धर्म है। और इस लिहाज से आदिवासियत हमारा धर्म है, और आदिवासियत हिंदुइज्म या ईसाइयत या और किसी भी धर्म से अलग है। हमें हमेशा अपने उस आदिवासियत को बचाने की बात करनी चाहिए। और आदि धर्म नाम से कई लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि जनगणना में भी कॉलम होना चाहिए। आपके यहाँ पे गढ़चिरौली में एक बड़ा सम्मेलन किया विनायक तुमराम ने, आप में से जरूर कुछ लोग उसमें रहे होंगे। उसमें उन्होंने आदि धर्म की प्रतिज्ञा भी बनाई, एक प्रार्थना भी बनाई, और लोग एक अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। तो वो एक अपनी शक्ति दिखाने के लिए, एकजुटता दिलाने के लिए कॉलम की बात ठीक है, बाकी हम सबकी अपनी अपनी लोकल परंपराएं हैं, हम अपने पुरखों का सम्मान करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा धर्म अलग है, हमारी आस्थाएं अलग हैं, हमारी परंपरा अलग है, और हमें उसको बचा करके रखना चाहिए। नंदकिशोर नेताम जी, आपने ठीक कहा, गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं हमेशा इस समर्थन में हूँ, बल्कि इसकी शुरुआत संविधान सभा से ही हो गई थी। संविधान सभा में जयपाल सिंह ने सबसे पहले गोंडी का नाम लिया, लेकिन उस गोंडी को, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी 70 साल बाद भी, संविधान बने हुए पूरे 70 साल हो गए हैं, 70 साल बाद भी हम गोंडी को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल करा पाए। ये हमारी विफलता है। गोंडों की अच्छी खासी संख्या है, अपने गोंडवाना के बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, बहुत सारे मंच बना रखे हैं, उन सब के माध्यम से इस मांग को सरकार तक पहुंचाइए और 8वीं अनुसूची में शामिल कराइए। मैं हमेशा इस मांग के समर्थन में हूं, जो भी मुझसे बन पड़ेगा इसके समर्थन के लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने का अवसर देने के लिए, सुनने के लिए, और हम जुड़े रहेंगे। आज से मुझे भी आप अपने गोंडवाना दर्शन, अपने इस समुदाय का हिस्सा समझिए, और हमारा संवाद बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी होगी कि आप इस वीडियो को, लाइव वीडियो को अलग अलग ग्रुपों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, ताकि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सकें। हम अपने साहित्य को कैसे पढ़ें, कैसे संरक्षित रखें, अपनी भाषाओं का कैसे सम्मान करें, और 8वीं अनुसूची में हम अपनी गोंडी को और